welcome back. My name is Apurva and today in this video I will be talking about meditation. Meditation क्या होता है, कैसे करना है, कितनी देर तक करना है and क्या क्या techniques आप अपना सकते हो meditation को और अपना easy बनाने के लिए. किस किस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हो. तो जो भी टॉपिक्स हैं मैं कवर करने वाली हूँ. प्लस जो मेरा मोटिव रहता है वो है कि जो भी टॉपिक है उसको मैं इतने ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए. तो फाइनली मैं आज मेडिटेशन के बारे में बताने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ कैसे आप स्टार्ट करें. स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो आई थिंक यू शुड वॉच दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. पहला सवाल आता है व्हाट इज मेडिटेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मेडिटेशन या ध्यान क्या है. ध्यान बहुत ही सिंपल चीज है. ध्यान मतलब फोकस. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे किसी चीज पे फोकस करेंगे दैट इज ध्यान. दैट इज इट. अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि मेडिटेशन में कैसे बैठे, किस तरीके से, किस आसन में या किस तरीके से, किस पोजीशन में हमें बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए. द वेरी फर्स्ट थिंग, मेडिटेशन करते टाइम आप कंफर्टेबल होने चाहिए. दैट इज द मेजर एंड इंपॉर्टेंट थिंग. मेडिटेशन करने से पहले पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको कम्फर्ट जोन. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट के मेडिटेशन कर रहे हो. लेट के मेडिटेशन कभी नहीं होता बिकॉज लोग सो जाते हैं. इसलिए हमेशा आप चेयर पर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो या फिर आप जमीन पर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो. चेयर पर आप नॉर्मल चेयर पर बैठ के मेडिटेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंड कि आप जमीन पर बैठ के आप एक कुशन ले सकते हैं. कुशन के ऊपर आप बैठ के अपने लेग्स क्रॉस करके बैठिए. आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके कंधे ऐसे ब्रॉड एंड स्ट्रेट होने चाहिए. इस टाइप से फेस आपका सीधा होना चाहिए. अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथों के अपने दोनों घुटनों पे रख सकते हैं या फिर ऐसे क्रॉस करके या फिर इस मुद्रा में. इसको हम ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं. सो यू कैन डू दिस. अगर आप चाहें तो बेड के ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो. सेम चीज करनी है, लेग्स क्रॉस करने हैं, बैक स्ट्रेट, कंधे स्ट्रेट, फेस स्ट्रेट. उसके बाद या तो आप अपने हाथ ऐसे रख सकते हो या ज्ञान मुद्रा में या फिर आप नॉर्मल अपने नीज पे अपने हाथ रख सकते हो. बट एंड में मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल हो. आप बिल्कुल भी ऐसे रिजिड फील ना करें. अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आपके माइंड में एक चीज चलेगी कि जैसे ही टाइमर खत्म होता है मैं एकदम से मेडिटेशन से हटूंगा एंड दैट इज डन. सो ऐसे नहीं करना है. जितना कंफर्टेबल होंगे उतना अच्छा है. बात करते हैं मेन चीज पे कि मेडिटेशन में करना क्या है. आप आराम से रिलैक्स्ड बैठे हुए हो. उसके बाद अगर आप बिगनर हो, सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है और लंबी लंबी सांसें लेनी है. नाक से सांस लेनी है और मुंह से उसको छोड़ना है. लंबी सांस लेनी नाक से ऐसे की. आप समझ रहे हो, जितना आप नाक से खींचोगे उससे इंटू टू डबल आपको मुंह से खींच के निकालनी है. आपको ऐसे ज्यूम करना है कि फ्रेश एयर या फिर जो पॉजिटिव एयर आप उसको अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो. जो अंदर नेगेटिव एयर आप उसको फोर्स के साथ बाहर छोड़ रहे हो. तो आपको ये 10 बार करना है. 10, 9 ऐसे आपको मन में नंबर्स काउंट करने हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके आपको मन में नंबर्स काउंट करने हैं और आपको आंख बंद करके इनहेल और एक्सहेल करना है. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट करनी होती है. जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं आपको नॉर्मल ऐसी ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है. आपको अपनी सांस पे फोकस करना है. आपको सांस को पेट तक लेके जाना है और बाहर छोड़ देना है. आपको ऐसे बार 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 ऐसे ये चेंजेस करनी है. आपको फोकस करना है कि आपकी सांसें नाक से आपके अंदर जा रही है और पेट तक जा रही है. तो वहां से पेट से वो सीधा वापस आ रही है. आपको इस तरीके से अपनी सांस के ऊपर फोकस करना है. आपको इमेजिन करना है कि जो हवा है, जो आपकी हवा है, आपने वो उसको लिया, वो अंदर गई, आपके पेट तक गई, उसको पेट तक फील करना है, देन पेट से वो वापस आ गई. नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, कोई डीप ब्रीदिंग वगैरह नहीं करनी है. फिर 2 मिनट तक आपको इसे कंटिन्यू करना है अगर आप बिगनर हैं. अगर आप बिगनर नहीं है तो आप टाइम ऑब्वियसली बढ़ा सकते हो. पहला तरीका, आपको सांस अंदर लेनी है नाक के थ्रू पेट तक एंड पेट से बाहर निकालनी है. अब सेकेंड तरीका है फोकस करने का. अगर आपको पहला वाला समझ नहीं आता है सेकेंड वाला आप कर सकते हो. देखो, जब हम सांस लेते हैं तो ठंडी हवा है वो हमारे नाक से जाती है, ठीक, और उसके बाद हम उसको एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो गर्म हवा बाहर आती है. तो आप ठंडे और गर्म पे फोकस कर सकते हैं, ठीक. हर तरीका, अगर आपको इनमें से कोई भी समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने सांसों की आवाज के ऊपर फोकस कर सकते हो. जब मैं हवा अंदर लेती हूँ और बाहर छोड़ती हूँ तो मुझे आवाज आती है अपनी सांसों की.
ये तो आपको इस पे फोकस करना है. जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो आपको लंबी लंबी सांस लेनी होती है, उसे मुंह से छोड़ना होता है. बट जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो आपको जैसे कि नॉर्मल आपकी सांस चलती है, आप उस नॉर्मल सांस पे फोकस करना है. आपको कोई ये सब नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल से मैं सांस ले लूँ अभी ऐसे करना है. नेक्स्ट तरीका है मंत्र. मंत्र को जपना या उसको चैंट करना जिसको हम बोलते हैं. तो मेडिटेशन के टाइम पे अगर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने सांस पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना ध्यान किसी एक चीज पे लगा लें, वो होगा मंत्र. आप अपने मन में एक मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज ओम. तो अपने मन में आपको मुँह से नहीं बोलना है, आपको मन में ओम 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 चंट करना है. उस वर्ड पे पर्टिकुलरली आपको ध्यान देना है, फोकस करना है. मेडिटेशन इज व्हाट फोकसिंग. तो आप मंत्र के थ्रू भी मेडिटेशन कर सकते हो. नेक्स्ट है गाइडेड मेडिटेशन. इसमें क्या होता है कि यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हो. उसमें जो वॉइस होती है, जिसकी भी वॉइस होती है, जिनकी वीडियो होती है, उसमें वो हम गाइड करते हैं कि सबसे पहले आप सांस लंबी लीजिए, फिर उसको एक्सहेल कीजिए, बाहर छोड़िए, उसके बाद फिर से लीजिए, फिर छोड़िए, उसके बाद अपने फोकस कीजिए, उसके बाद मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिए. मतलब वो आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है. अगर आप बिगनर हो तो गाइडेड मेडिटेशन से आप बहुत जल्दी मेडिटेशन करना सीख जाओगे. उसमें वो गाइड करते हैं, आपको बताते रहते हैं आपको कैसे क्या करना है, क्या एक्टिविटी करनी है, किस चीज़ पर फोकस करना है, किस पर नहीं करना है. तो बहुत ही ईजिली आप मेडिटेशन कर पाते हो. एंड वो मोस्टली 5 or 10 minutes की वीडियोज़ होती है, तो आपका ध्यान जो है वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी देर तक वो रोक के रखती है. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. आपको पूरा गाइड करते हैं मेडिटेशन कैसे करना है, यू कैन गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन एज वेल. नेक्स्ट है हेड स्पेस एप्लीकेशन. सी ये एक एप्लीकेशन है, एंड हाँ मैं कोई प्रमोशन ऐसा कुछ नहीं कर रही, ना कोई कोलैबोरेशन है, ना कोई स्पॉन्सरशिप है. इट्स जस्ट कि मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ. हेड स्पेस एक गाइडेड मेडिटेशन एप्लीकेशन है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. वो एक एप्लीकेशन है, उसमें 10 days का फ्री बिगनर कोर्स होता है जिसमें सेव्ड ऑडियोज होते हैं. उसमें आप अपना टाइम चूज कर सकते हो, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, जितने भी देर आपको मेडिटेशन करना हो. वो जो मेडिटेशन है वो डिजाइन किया गया है स्पेशली बिगनर्स के लिए. आप किसी और टॉपिक के ऊपर, एंगर इशूज या ऐसे किसी चीज़ के ऊपर उसमें मेडिटेशन करना चाहते हो, तो आपको वो पेड पड़ता है. आपको कुछ पेमेंट, आई थिंक 200 rupees पर मंथ पे करना पड़ता है. उसके बाद आप उसकी जो और चीजें हैं वो आप अनलॉक कर पाते हो. तो आई थिंक बिगनर्स के लिए वो 10 days का कोर्स बहुत सफिशिएंट है उसके. तो हेड स्पेस में आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलती है, तो इट्स अ वेरी गुड ऐप. नेक्स्ट है कि आप मेडिटेशन में काउंटिंग कर सकते हो. जैसे कि हमने मंत्र लिया था एक चीज फोकस करने के लिए, हम इसे काउंटिंग पे फोकस कर सकते हैं. जैसे कि मैं सांस ले रही हूँ, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करना है. बट हाँ, बोलना नहीं है, मन में ही काउंटिंग करनी है. तो आपको ऐसे फोकस करना है अपनी सांस पे. तो उसके बाद 10 खत्म हो जाए, उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद फिर से 10 खत्म हो जाए, फिर से रिपीटेडली आपको 10 तक काउंटिंग करके अपने आपको अपनी ब्रेथ पे फोकस करना होता है. तो दिस इज हाउ यू कैन डू. एक और लास्ट तरीका है फोकस करने का मेडिटेशन में, इज दैट कि आप बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक होते हैं, आप उनके ऊपर फोकस करें. जो उनका म्यूजिक है, सूदिंग म्यूजिक, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे म्यूजिक्स हैं जो स्पेसिफिकली मेडिटेशन के टाइम के लिए हैं, तो आप उस म्यूजिक पर फोकस कर सकते हैं. बट आई विल रिकमेंड कि अगर आप बिगनर हैं तो गाइडेड मेडिटेशन या ब्रीदिंग, वो सांस की वॉइस वाला हो, या फिर वो स्टमक तक वाला हो, या फिर हॉट एंड कोल्ड, ठंडा गर्म फील करने वाला हो, आप इनसे फोकस कर सकते हो. या फिर आप मंत्र वाले मेथड का यूज कर सकते हो. तो ये सब बहुत ही सिंपल मेथड है, आपके मेडिटेशन की जर्नी को बहुत ही ईजी बना देंगे. आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है, जस्ट पिक एनी वन थिंग एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. नेक्स्ट टॉपिक है थॉट ट्रबल. थॉट ट्रबल इज वॉट. ट्रस्ट मी, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग के जो आपके 10 days जाएंगे ना, 10 days, चलो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, शायद से 6-7 जो आपके डेज जाएंगे सेशंस के, ट्रस्ट मी, आपने जो चीज़ें पिछले 2 या 3 महीने में भी नहीं सोची होंगी, वो सारी की सारी उस टाइम पे मेडिटेशन के टाइम पे आपके माइंड में पॉप अप होंगी. बिकॉज हमारा जो माइंड है वो शांत नहीं बैठ सकता है विदाउट थॉट्स. इज वेरी, यू नो, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आपको चुपचाप बिना थॉट्स के बैठना हो. बट पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने जो थॉट्स हैं उनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि क्यों थॉट्स आ रहे हैं. बिकॉज ये एक हमारा ह्यूमन नेचर है, इट्स नॉट योर फॉल्ट. आएंगे ही आएंगे, और वो ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जिनका कुछ लेना देना भी नहीं आपके करंट सिचुएशन से, बट स्टिल आपके थॉट्स आएंगे वो. सो इट्स अ वेरी जेन्युइन थिंग. आपको क्या करना है, सिंपली आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके माइंड में एक थॉट आया, आपका ध्यान एकदम उस थॉट के ऊपर, आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपने चल गई एक मूवी सी या पिक्चर, कुछ थोड़ी बहुत चली वो. उसके बाद जैसे ही आपको रियलाइज हुआ कि ओ आई वाज डूइंग मेडिटेशन, बैक टू योर ब्रेथ.
बैक टू द थिंग, सांस के ऊपर वापस से जो भी आप मेथड करो मेडिटेशन का उसके ऊपर वापस आ जाना है. उसके बाद फिर से आपका ध्यान कहीं जाएगा, उसके बाद फिर से वापस आना है. आपका ध्यान जाएगा, दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, दैट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग. फिर आपको अपने आपको वहाँ से हटा के फिर वापस अपने मेडिटेशन पे आना है. आपको ऐसे करना है धीरे 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 धीरे. एक टाइम ऐसा है कि आपको थॉट्स आने अपने आप ही कम हो जाएंगे. आपको अपने थॉट्स को सिंपल ऑब्जर्व करना है, सिंपल ऑब्जर्व करना है. जो आपके थॉट्स हैं उनके फ्रेंड्स बनो, उन पे फ्रस्ट्रेशन गुस्सा मत निकालो, बिकॉज वो आपके ही थॉट्स हैं. हमारा माइंड शांत नहीं बैठ सकता है. सो दिस इज़ द थिंग, आपको उसे धीरे धीरे ट्रेन करना है. और मेडिटेशन एक की है ट्रेन करने की, जिससे कि आपके जो थॉट्स हैं वो अपने आप कम होंगे, बट धीरे 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 ट्रेनिंग के साथ. ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, दैट इज मेडिटेशन. अब सवाल आता है कि मेडिटेशन कितनी देर तक करना चाहिए. मेडिटेशन से अगर आप बिगनर हो तो ट्राई इट, स्टार्ट इट विद जस्ट 2 मिनट्स. 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए. एक हफ्ते डेली 2 मिनट कीजिए. दूसरे हफ्ते में आप उसको इंटू 2 करके 4 मिनट कर सकते हैं. तीसरे हफ्ते में आप उसको 8 मिनट कर सकते हैं, 4 into 2. फिर उससे अगले में आप फिर से इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस टाइम को. तो आप ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हो, या फिर अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो आप नॉर्मली धीरे 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 जितना आपको कन्वीनियंट लगता है उससे स्टार्ट करें. अगर आप 2 मिनट से भी अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो आपका जो गोल है वो 20 मिनट्स होना चाहिए. मैक्सिमम टाइम आपको मेडिटेशन का 20 to 30 मिनट्स लेकर आना है धीरे धीरे धीरे. वो चीज़ धीरे धीरे होगी. एक साथ अगर आप 20 मिनट्स करने बैठ गए, अगले दिन शायद आपका मन भी नहीं करेगा करने का. सो स्टार्ट विद जस्ट 2 मिनट्स. मेडिटेशन दिन में कितनी बार करना चाहिए? आप 2 बार भी कर सकते हो, आप 3 बार भी कर सकते हो, और आप 1 बार भी कर सकते हो. आप सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप सुबह उठते ही मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप 3 टाइम दोपहर में, अगर आपके पास टाइम होता है दोपहर में, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. मेडिटेशन कोई टाइम स्पेसिफिकली नहीं होता है. आपका जब मन करे आप मेडिटेशन कर सकते हो. तो कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको इसी टाइम पे मेडिटेशन करना है. नेक्स्ट एंड लास्ट, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डाल देना है. प्लस उसमें टाइमर लगा लीजिए, जो भी आपको 2 मिनट करना है, 5, 10, 20 जितने भी मिनट है आपको इतना करना है. आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल. एंड अगर आपकी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है, कुछ भी है, यू कैन शेयर इट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर. आई लव यू ऑल.